हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। सो गैस, आप लोगों को अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से आर्टिकल का लेक्चर कराया, जिसका पार्ट वन हम लोग अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर ही। इसका ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने आपको बताया आर्टिकल के बारे में और आर्टिकल के ए और एन के यूजेस के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल के दा के यूज़ के बारे में, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल के यूज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत शानदार लेक्चर रहने वाला है बच्चों, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की बहुत शानदार बुक्स में से एक है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर। ना केवल एक है बल्कि टॉप पर है अगर देखा जाए तो। अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स की, तो उनमें यह सबसे टॉप क्लास बुक है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर। उसके बाद में बाकी सभी बुक्स आपकी आती हैं। बहुत अच्छी नॉलेज राइटर को, खूब अच्छे ज्ञान के साथ में, और उसमें साथ में हमारा ज्ञान भी मिक्स होगा आज, यानी कि हम लोग आपको बहुत अच्छे समझा कर इस बुक को पढ़ाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बुक को बच्चों। सो गाइस, यहां हम लोग बात करेंगे आज यूजेस ऑफ दा की। देखिए, दा की बात कर रहा है बच्चों, ये वही दा है आपका जो आपने बचपन में फिल्मों में देखा होगा, दी एंड। ये वही दा है बच्चों, बस वहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन दी एंड इसलिए था बिकॉज जब ये वाउल से पहले आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है दी, और जब ये कॉन्सोनेंट से पहले आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है दा। हालांकि ये इतना बड़ा मुद्दे की बात नहीं है जिसपे हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करें। ये स्पीकिंग का मामला है, और स्पीकिंग में भी आप कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ यहाँ ग्रामेटिकली एरर देखने क्या यहाँ से आने वाली है। दा का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लुरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है, यानी किसी से भी पहले किया जा सकता है। कुल मिला के बात यह है, जैसे हमने आर्टिकल पढ़ा था ए और एन, कि ए और एन का प्रयोग हम लोग सिर्फ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। तो यहाँ उसने ये पहले क्लियर कर दिया कि दा का यूज सिंगुलर से भी पहले, प्लुरल से भी पहले, अनकाउंटेबल से पहले, मतलब किसी से भी पहले आ सकता है उनको डेफिनेट बनाने के लिए। यानी कि गाइस, अगर मैं बात करूँ अपने अंदाज की, तो मैंने आपसे बताया था कि दा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तब जब कोई चीज़ यूनिक है, यूनिक मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और दूसरी बात जब कोई चीज़ अपनी जगह पर डेफिनेट है। उन दोनों से ही पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ फिलहाल सेंटेंस के एग्जांपल की, कह रहा है कि यू आर द मैन हु हेल्प मी, तुम वही व्यक्ति हो जिसने मेरी मदद की थी। यानी कि व्यक्ति तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन तुम वो वाले हो जिसने मेरी मदद की थी। इस हु ने इसको डेफिनेट कर दिया है। यहाँ आपके लिए एक बड़ा प्यारा रूल यह है बच्चों कि जब भी किसी नाउन के बाद में हु, हुम, ये पाँच है बच्चों ध्यान रखना, हु, हुम, विच, वट और दैट, जब भी किसी नाउन के बाद में हु, हुम, विच, वट, दैट में से कोई भी एक आ जाए, तो उस वाले नाउन से पहले मोस्ट प्रोबेबली आपका दा लगना ही लगना है, यानी कि दा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे वो नाउन आपका डेफिनेट हो जाता है। मैं कहने लगूँ कि दिस इज द बुक विच यू गेव मी, यही वही बुक है जो आपने मुझे दी थी, तो ये बुक बात होगी, बुक डेफिनेट हो गई है। दीज आर द गर्ल्स हुम आई हैव इन्वाइटेड, ये वही लड़के हैं जिनको हमने इन्वाइट किया है। तो यहाँ पर इस हुम ने इन लड़कियों को डेफिनेट कर दिया है, यहाँ पर इस हु ने इन आदमियों को डेफिनेट कर दिया है। तो बच्चों, यहाँ पर ये आदमी हु की वजह से डेफिनेट हुआ है, और यहाँ ये लड़कियाँ हुम की वजह से डेफिनेट हुई हैं, इसलिए गर्ल से पहले भी और मैन से पहले भी हमने दा का इस्तेमाल किया है। ये बहुत सिंपल सा फंडा, कभी भी ध्यान रखना इनको बच्चों, हु, हुम, विच, वट, दैट को अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इनको बोलते हैं बच्चों अंग्रेजी में रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कभी भी कोई नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले आपका हमेशा आएगा द, ये कन्फर्म है। रिलेटिव प्रोनाउन, नाउन, उससे पहले द आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो गैस आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर के अपनी। कह रहे कि द वाटर ऑफ दिस वैल इज पोल्यूटेड, इस कुएं का पानी गंदा है। अब यहाँ ये एक और किस्सा मैं आपको बता दूँ बच्चों, ढंग से सुन लेना। प्रपोजिशन से पहले बच्चों, प्रपोजिशन से पहले कभी भी कोई नाउन हो और वो भी आपका नॉन लिविंग, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि उससे पहले आपका दा आएगा। यस, द वाटर ऑफ दिस वैल, इस कुएं का पानी, द मिल्क विच यू बॉट यस्टरडे, इस तरह से बच्चों। तो इनको डेफिनेट किया जाता है बच्चों, क्या कहते हैं इनको, डेफिनेट किया जाता है। यहाँ पर इनको डेफिनेट किया जा रहा है, द वाटर ऑफ दिस वैल इज पोल्यूटेड, इस कुएं का पानी पोल्यूटेड हो चुका है, ये पोल्यूटेड है ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ हमने ऑफ से पहले नाउन, नाउन से पहले दा लगाया। चलिए फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस, जैसा कि किताबें वाले बताते ही हैं कि नदियों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले, इससे पहले, उससे पहले, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया बच्चों कि जो भी चीज़ यूनिक है, जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और जो भी चीज़ आपकी डेफिनेट है,
क्या है बच्चों, डेफिनेट है, उन सबसे पहले हम लोगों को इस्तेमाल करना है द का। किसका इस्तेमाल करना है? द का। जो भी चीज़ यूनिक है उससे पहले और जो भी चीज़ डेफिनेट है उससे पहले हम लोगों को इस्तेमाल करना है बच्चों द का, यानी कि द उससे पहले हमारा आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ में, ये सब चीज़ तो आप पढ़ ही लेंगे। अब यहाँ पर यूजेस नंबर जो नेक्स्ट है वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी ये बताना चाह रहा था मैं। यहाँ पे जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है हमारी, सुपरलेटिव डिग्री मतलब बच्चों वो जिनके आखिर में est, iest या फिर मोस्ट का इस्तेमाल होता है, उनसे पहले उसके साथ में हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा बिग, बिगर, बिगेस्ट। डिग्री मतलब बच्चों एडजेक्टिव से ही बना है आपका, ये एडजेक्टिव का ही एक रूप है डिग्री। एडजेक्टिव मतलब किसी की क्वालिटी बताना, जब हम किसी की क्वालिटी को बढ़ा करके या घटा करके बता रहे हों तब हम लोग बात करते हैं डिग्री की। और डिग्री हमारी होती है तीन तरह की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सुपरलेटिव की पहले, हालांकि बात करेंगे कंपैरेटिव की भी, बुक में की गई है या नहीं की गई है उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। तो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ में भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे बेस्ट और टॉलेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री हैं, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंस सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है BSRB पटना एग्जाम में आया हुआ है, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट। तो ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें यहाँ द का इस्तेमाल करना था, जो कि उसने करा अ का, ये आपका रॉन्ग है। सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट, सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट आपका होना चाहिए था। बी पार्ट में यहाँ पर अ की जगह द का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, ये सबसे बेस्ट है हमारा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो बच्चों मैं बताया कह ही रहा था आपसे कि मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर इसने कर दिए बात। बच्चों कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब? अगर बच्चों अधिकतर तो क्या होता है कि कंपेरेटिव डिग्री के साथ में हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं, जो सबको पता ही है। जब भी कंपेरेटिव डिग्री आएगी तो हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं, यू आर टॉलर देन मी, टॉलर देन आई, शी इज यंगर देन यू, जब इस तरह से बात करते हैं। तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद में मोस्टली हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों अगर कंपेरेटिव डिग्री के बाद में आपका देन का प्रयोग ना हो तो, सुन लीजिएगा ध्यान से, कोई कंपेरेटिव डिग्री है और उसके बाद देन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि उसके बाद देन है ही नहीं। जैसे मैं कहने लगूं कि हायर यू गो, हायर यू गो कूलर यू फील, कूलर यू फील, तो ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर दोनों बार कंपेरेटिव डिग्री आई है, हायर में भी और कूलर में भी, ना हायर के बाद देन है ना कूलर के बाद देन है, तो दोनों में ही आपका देन नहीं है। आप दोनों से पहले द लगाएंगे, द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी बच्चों द लगता है, कब? जब कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन या टू का प्रयोग ना हो तो। इस गैस तो यहाँ पर हमने द का इस्तेमाल किया, जैसे ही इज़ बेटर देन यू, तो यहाँ पर तो बेटर साथ में देन आ रहा है तो ठीक है, यहाँ द नहीं आएगा। ही शी सीनियर टू यू, यहाँ पर सीनियर के साथ में टू आ गया है, इससे पहले भी द नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पर बच्चों, अब जैसे कि यहाँ कहने लगे हम लोग, द इंटरव्यूअर आस्क मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन ऑफ एनी अदर पोएट। अब ग्रेटर के बाद में देन आ गया है, तब तक आप द नहीं लगाएंगे। जैसे ही कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन हटेगा, आपको कंपेरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल कर देना है तुरंत। कैसे, जरा देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। उसने कहा ही इज द बेटर ऑफ द टू, अब गाइस ये आप देख रहे हैं बेटर, बेटर के बाद में क्या है, प्रपोजिशन ऑफ, यहाँ पर देन नहीं है, तो बेटर से पहले यहाँ द चलेगा। इस गैस जैसे कि आपने कहा द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितनी ज़्यादा आपको मिलता चला जाता है उतनी ही आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन दोनों में से किसी भी कंपेरेटिव डिग्री साथ में देन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप यहाँ पर इन बातों पर ध्यान देना, जो मैंने बोला आपको उसी को ध्यान देना बच्चों। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन और टू है तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगेगा, और अगर कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन और टू नहीं है तो इससे पहले द लगेगा। बस आप ये बात ध्यान रखें, किताबों के हिसाब से मत समझिएगा, आप लोगों को सिर्फ किताब एक सहारा लेने के लिए मैंने लगाई है। जरा देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस
हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू विल फील, कोल्डर यू फील, सॉरी। तो कहिए एस सी आर ए में आया हुआ है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, बहुत ही शानदार एग्जाम, इंडिया का एक अच्छे एग्जाम में से एक है। पूरे इंडिया में से बहुत कम बच्चे चुने आते हैं, 30-35 बच्चे ही मुश्किल से चुने आते हैं हर साल एक, यानी कि समझ लीजिए कि हर एक जिले से एक बच्चा चुनना है तो टॉपर ही चुना जाएगा। तो गाइस यहाँ पर उसी का एग्जाम में से क्वेश्चन है, हायर आपके कंपेटिव डिग्री है, इसके बाद ना तो देन आया है ना टू, इस वाले हायर से पहले हमें दा का इस्तेमाल करना होगा। इस गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ों के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ पर यह कहना चाह रहा है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगली बात नंबर को लेकर के, लेकिन आधी अधूरी बात है, मैं आपको पूरी कर दूँ। बच्चों ये आपका बात करें ऑर्डिनल एडजेक्टिव की। बच्चों नंबर्स जो हैं तीन तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनल, दूसरे कार्डिनल, जब बात करें कार्डिनल नंबर की, और तीसरे मल्टीप्लिकेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर ऑर्डिनल नंबर जो ऑर्डर से लगे हों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नेक्स्ट लास्ट। कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। मल्टीप्लिकेटिव नंबर सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रपल इस तरह से गाइस। तो ध्यान रखिएगा ऑर्डिनल नंबर से पहले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इनसे पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट यहाँ पे एक ऑर्डिनल नंबर है, इस ऑर्डिनल नंबर से पहले हमने दा का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैं कहने लगूं पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो गैस यहाँ पर द फर्स्ट कहा है मैंने, तो यहाँ पर हमने आपको ऑर्डिनल नंबर से पहले दा लगाया है। इस गैस एक बात और ध्यान रखना, कभी भी अगर सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर दोनों एक साथ आ जाएं तो पहले ऑर्डिनल आएगा और बाद में आपका कार्डिनल आएगा, और जब पहले ऑर्डिनल आ चुका है तो इससे पहले आपका दा भी आएगा। यस, जैसे कि मैं कहने लगूं द फर्स्ट टू पेज, द फर्स्ट टू पेज, तो फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, टू कार्डिनल नंबर है, हमारा आ गया इससे पहले दा। गाइस अब ये वही रूल बच्चों घुमा करके दे दिया गया है। मैंने आपको बताया कि किसी भी नाउन के बाद या फिर प्रपोजिशन से पहले अगर कोई नाउन आ रहा है, अगर प्रपोजिशन से पहले कोई भी नाउन आ रहा है तो उस नाउन से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। ये वही आपका रूल उन्होंने यहाँ बताया। रूल में क्या कहा, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे, ये उन्होंने देख के दिखाया। द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नोटी। तो गैस ये भी बड़ा शानदार रूल है इंग्लिश ग्रामर का, अगर देखा जाए तो बहुत शानदार रूल्स में से एक है। आर्टिकल दा को लगाने के बच्चों बहुत सारे नियम हैं, लेकिन बहुत सारे नियम पढ़ने नहीं हैं। मैंने आपको दो बात में अपनी सारी बात ख़त्म कर दी आर्टिकल की, जब भी कोई चीज़ डेफिनेट है उससे पहले, और जो भी चीज़ यूनिक है अपनी जगह पर यानी कि यूनिक है उसके अलावा आपके पास कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है। रामायण गीता कुरान इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, गंगा यमुना सरस्वती इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो बच्चों जो भी चीज़ सन मून स्टार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, उनके साथ में आप लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा फंडा ध्यान रखिए, यहाँ प्रपोजिशन से पहले कोई नाउन आ रहा है नॉन लिविंग है तो ज़्यादा चांसेस है कि दा लगेगा, रिलेटिव पढ़ना से पहले कोई नाउन आ रहा है तो उससे पहले दा लगेगा, ये बहुत सारे केसेस हैं। द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज, बच्चों ऑफ आपका नाउन है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले नाउन आ गया तो यहाँ पर एन की जगह आपका द का इस्तेमाल होगा। ओके गाइस, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने रूल्स आर्टिकल दा को लेकर के, यूजेस ऑफ दा को लेकर के। मिलते हैं इसी तरह की और क्लासेस के लिए जहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसी बुक से अब नो आर्टिकल, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इससे प्रैक्टिस की। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार चैप्टर है। चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।